हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिजनेस लॉ के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर करेंगे प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसके अंदर हम देखेंगे होल्डर क्या होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, जो होल्डर है उसका ये अर्थ होता है कि उसके कब्जे में है। पोजेशन का मतलब होता है उसके पास है, उसकी कस्टडी में है, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है, वो अपने नाम से इसको पोजेशन में रख सकता है और अपने नाम से इसके अंदर से अगर कोई पैसा या अमाउंट ड्यू है तो वो रिकवर कर सकता है। होल्डर के अलावा कोई और पार्टी जो है स्यू नहीं कर सकती। कुछ एक्सेप्शन के साथ क्या है कि वो इसको नेगोशिएट भी कर सकता है। इसको ऑल अदर पार्टी जो होती है लायबल होती है। देखो, ये आपने याद रखना है कि होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के अंदर डिफरेंस होते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स वो पर्सन होता है जिसने कंसिडरेशन दे के इसको ऑब्टेन किया होता है। होल्डर जो है उससे कंसिडरेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे मान लो, जैसे फादर के पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हेयर के पास चला जाता है, तो वो होल्डर होता है। होल्डर के अंदर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है आफ्टर मेच्योरिटी भी जा सकता है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास बिफोर मेच्योरिटी वैल्यू कंसिडरेशन दे के ही ऑब्टेन हो सकता है। और अगर जिसके पास भी प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, उसको यही माना जाता है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो वो दूसरी पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि ये होल्डर नहीं, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, ये होल्डर है। मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसको बहुत सारी प्रिविलेजेस जो होती हैं प्राप्त होती हैं। जैसे देखो, होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है द पर्सन जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या चेक जो है वैल्यूएबल कंसिडरेशन दे के प्राप्त किया है। वैल्यूएबल कंसिडरेशन का मतलब होता है यहाँ पे कि जैसे मान लो ए ने बी को चीज़ें जो है क्रेडिट पे सेल की है, ठीक है, तो बी ने बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ए के नाम पे इंडोर्स कर दिया है, तो यहाँ पे ए ने बी को गुड्स सप्लाई की थी, उसके बदले में उसको बिल ऑफ एक्सचेंज मिला, तो ये वैल्यूएबल कंसिडरेशन होगी कि बदले में कुछ करके हमने बिल ऑफ एक्सचेंज जो है अगली पार्टी को ट्रांसफ़र किया है। और ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये मैच्योरिटी से पहले जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास इंडोर्स होना चाहिए या उसके पास पहले आना चाहिए, और उसने ये गुड फेथ में लिया है। अगर जैसे ए जो है बी को बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ़र करता है और बी को पता है कि ए ने ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है फॉर्जरी से ऑब्टेन किया है, तो यहाँ पर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स का प्रिविलेज नहीं ले सकता। जब भी कोई पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन करती है गुड फेथ में करती है, उसको ये पता नहीं होता कि जो पार्टी उसको ट्रांसफ़र कर रही है उसका टाइटल डिफेक्टिव है और इंस्ट्रूमेंट जो है टोटली कंप्लीट है, पूरा मतलब उसकी जो भी टोटली फिल्ड है, टोटली सिग्नेचर दोनों पार्टीज के हुए हैं और जो भी उसके ऊपर स्टैम्प लगी हुई है वो, मतलब स्टैम्प भी अगर वो स्टैम्प एक्ट एप्लीकेबल है तो वो स्टैम्प्ड है प्रॉपरली। उसके पास देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसको कुछ बहुत ही प्रिविलेजेस होती हैं। जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसकी बहुत ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है कि बड़ी सिग्निफिकेंट पोजीशन होती है, क्योंकि नेचुरली उसको ये कुछ एक्सक्लूसिव जो है बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को ये प्रिविलेजेस हैं। फर्स्ट है प्रीजम्पशन। प्रीजम्पशन का मतलब होता है कि जब भी किसी के पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो ये हमेशा यही माना जाएगा कि ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है। दूसरी पार्टी को जो एलिगेशन लगाते हैं कि ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, ये होल्डर है। जब भी किसी के पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है तो इट इज़ ऑलवेज प्रिज्यूम कि ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है। सेकेंड है इनकोहेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। इनकोहेट का मतलब होता है इनकम्प्लीट। देखो, अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो इनकम्प्लीट है बट वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड है, और अगर होल्डर इन ड्यू के पास आ जाता है तो जितनी स्टैम्प के साथ, जितनी स्टैम्प उसके ऊपर लगी हुई है उतनी वैल्यू वो उसके अंदर फिल कर देता है, तो पार्टी को उसको देना ही पड़ेगा। मान लो ए के पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आता है, उसके ऊपर जो स्टैम्प लगी हुई है वो मतलब स्टैम्प इतनी वैल्यू की लगी हुई है कि वो 2000 अमाउंट जो है रिकवर कर सकता है। एक्चुअल में जो है 1000 जो है उसके अंदर लेना देना है, बट वो क्या करता है कि 2000 फिल कर लेता है, तो यहाँ पे जो पार्टी है उसको 2000 ही देना पड़ेगा। इनको हेड स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि अगर किसी
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्टैम्प लगी हुई है, और वो स्टैम्प जो है ज़्यादा अमाउंट कवर कर लेती है। और अगर पार्टी जो है ज़्यादा अमाउंट डाल देती है, जितना स्टैम्प कवर करती है, जैसे मैंने आपको बताया कि देना 1,000 था पर स्टैम्प इतनी लगी हुई थी कि वो 2,000 का अमाउंट कवर कर सकती थी, और पार्टी ने वहाँ पे 2,000 डाल दिया, तो अब वो 2,000 रिकवर कर सकती है। उसी के अंदर ही क्या है कि जितनी भी प्रायर पार्टीज़ होती हैं वो सारी जो होती हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स के प्रति लायबल होती हैं, और जब तक कि इंस्ट्रूमेंट की ड्यूली सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती। और यहाँ पे क्या होता है कि देखो, जब होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आता है तो सारे डिफेक्ट जो होते हैं क्योर हो जाते हैं। जैसे मान लो ए ने बी को बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ़र किया, बी ने सी को किया, मान लो ए का जो टाइटल था डिफेक्टिव था, आगे ये ई के पास चला जाता है, ई ने जो है गुड फेथ में लिया है, अब ए का चाहे टाइटल डिफेक्टिव है लेकिन ई के पास वो आ गया, उसने गुड फेथ में लिया है, वैल्यू दे के लिया है, तो अब उसको जो जो भी पार्टी है उसको पैसे उसको देने ही पड़ेंगे। जब होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आ जाता है तो यह कहा जाता है कि जितने भी इसके अंदर डिफेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे क्योर हो जाते हैं। और देखो, अगर ये होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आ जाता है तो जो पार्टी जिसने पेमेंट देनी है वो ये नहीं कह सकती कि ये जो बिल था ये किसी झूठे नाम से ड्रॉ किया गया था, या ड्रॉयर या पे जो है फिक्टिशियस है, और ये भी नहीं कह सकती कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये जो था कि वो कंडीशनल है, ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आ जाता है, जैसे हम कहते हैं कि बंदा गंगा जाके हम गंगा नहा लेते हैं तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, जब होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास चला जाता है तो उसका टाइटल जो होता है गुड होता है, उसका टाइटल जो होता है डिफेक्टिव नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ए का टाइटल डिफेक्टिव है, उसने बी को बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इंडोर्स कर दिया है, तो बी ने गुड फेथ में लिया है तो बी के पास उससे बेटर टाइटल आएगा। उसी तरह ही देखो, ये भी नहीं हम कह सकते कि ये इंस्ट्रूमेंट जो था अनलॉफुल मीन से ऑब्टेन किया गया है या अनलॉफुल कंसिडरेशन, मतलब ये प्ली नहीं हम ले सकते, और ना ही हम ये ले सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं है, और ना ही हम ये ले सकते हैं कि जो पे है उसके कैपेसिटी नहीं थी, उसकी कैपेसिटी पे भी हम कोई क्वेश्चन नहीं लगा सकते। इवन ना ही हम ये लगा सकते हैं कि सिग्नेचर जो है फोर्ज्ड है। जब भी ये होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास जाता है तो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है, प्रोवाइडेड कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसने गुड फेथ के अंदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन देके बिफोर मेच्योरिटी जो है उसको ऑब्टेन किया है। अब उसके बाद देखो, हम डिफरेंस करेंगे होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। देखो, होल्डर का मतलब होता है कोई भी बंदा जो अपने नाम से नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसकी कस्टडी में होता है, उसका अमाउंट जो है वो रिकवर कर सकता है। देखो, होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है जिसने वैल्यूएबल कंसिडरेशन देके गुड फेथ के अंदर बिफोर मेच्योरिटी उसको परचेज किया है, ऑब्टेन किया है। और यहाँ पे देखो, जो होल्डर, जैसे मैंने आपको बताया, कंसिडरेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर देखो, हम किसी को बिल ऑफ एक्सचेंज गिफ्ट कर देते हैं या लीगली हेयर को मिल जाते हैं तो वहाँ पर कंसिडरेशन नहीं ट्रांसफ़र होती, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में कंसिडरेशन होनी चाहिए, ट्रांसफ़र होनी चाहिए। और ये जो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन करते हैं ये वैल्यूएबल कंसिडरेशन के बदले में करते हैं। और यहाँ पे होल्डर के पास क्या होता है कि मान लो जैसे एक की डेथ के बाद उसके जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं उसके बच्चे के पास चले जाते हैं, उसके लीगल हेयर के पास चले जाते हैं। अगर ए का टाइटल डिफेक्टिव है तो नेचुरली लीगल हेयर का टाइटल भी डिफेक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ए ने बी को ट्रांसफ़र कर दिया, ए का टाइटल डिफेक्टिव है, बट बी अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसने वैल्यूएबल कंसिडरेशन दे के लिया है, तो उसका टाइटल जो है बेटर है। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर होल्डर जो है सिर्फ ट्रांसफरर के अगेंस्ट ही जो है एक्शन ले सकता है, लेकिन यहाँ पे वो सारी पार्टीज़ को स्यू कर सकता है, सारी पार्टीज जो होती हैं लायबल होती है। होल्डर के पास जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस नहीं होते, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास होते हैं। होल्डर के पास बिल ऑफ एक्सचेंज जो है आफ्टर मेच्योरिटी भी एक्वायर कर सकता है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के प्रिविलेज लेने के लिए वो बिफोर मेच्योरिटी जो है होनी चाहिए।